हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वामा ब्लूमिंग गार्डन। और आज मैं आपसे कुछ ऐसी प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो प्लांट्स डोरमेंसी का टाइम उनका स्टार्ट हो गया है और अब उनकी कटिंग लगाना सही नहीं होगा। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग अगर अब आप लगाएंगे उनकी तो वो सक्सेस नहीं होगी और साथ में आपका प्लांट भी मरने का चांस बहुत रहेगा। कुछ ऐसा है जैसे कि कोलियस है और कोलियस की कटिंग अभी आप नहीं लगा सकते, बस इनको आप सेव करके रख सकते हैं। और ये सारे प्लांट्स को आप बस इनको बचा कर रखिए, बहुत ज़्यादा कोहरे में और बहुत ज़्यादा इनको ओस में नहीं रखिए, ऐसे शेडी एरिया में रखिए जहाँ पर इनको ऊपर से थोड़ी सी छाया हो और इनको हल्की सी धूप भी मिलती रहे और ब्राइट लाइट भी मिलती रहे। जैसे कि ये कोलियस का प्लांट है और इसको मैंने छज्जे के नीचे रख रखा है जिसके ऊपर थोड़ा सा शेड है। और ऐसे ही प्लांट हैं जैसे कि सदाबहार, हाइब्रिड सदाबहार तो चल जाते हैं लेकिन अगर देशी सदाबहार आपके पास है तो उसको भी आप शेड में रखिए ताकि उसमें बहुत ज़्यादा ओस और पानी ना जमा होने पाए। और पानी भी हिसाब से आप इसमें डालिए, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो ये प्लांट मरने का चांस बहुत रहता है क्योंकि इसका डोरमेंसी पीरियड चालू हो चुका है। और ये ड्राफ्ट वैरायटी का एक्जोरा है, इसमें भी डोरमेंसी इसका टाइम चालू हो गया है लेकिन ये परमानेंट प्लांट है, फ्लावरिंग तो हल्की फुल्की ये करता ही रहेगा लेकिन अगर आप चाहें इसको कि कटिंग से न्यू प्लांट बना लें तो आप इसकी कटिंग अभी ना लगाएं। और कटिंग अगर आप इसकी लगाते हैं तो मरने का चांस होता है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। अगर इसमें आपने अच्छे से इसको खा दिया, पानी अच्छा इसका ध्यान रखा तो इसमें हल्की फुल्की फ्लावरिंग होती रहती है जैसे कि मेरे प्लांट में हो रही है। और इसकी कटिंग मैं अभी से इसको नहीं ग्रो करूँगी, फरवरी में जाके आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं और इस टाइम आप इसको ऐसे ही रखिए। नेक्स्ट प्लांट क्रोटोन का प्लांट है, इसकी भी कटिंग आप थोड़े दिन ना लगाएं, जैसे कि जब इसमें फरवरी का टाइम आएगा तो आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और इन्हीं अभी इनके पत्ते झड़ने लगेंगे और देख सकते हैं आप ये पत्तों में पीला कलर बहुत ज़्यादा आ गया है और थोड़ा सा ये मरने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर आप इनकी कटिंग और इसमें वाटरिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। वाटरिंग अभी बहुत कम से कम इसमें करनी है, अगर आपको लगे कि मिट्टी सूखी है तो ही आप इसमें पानी डालें और इसमें हल्की फुल्की धूप लगनी चाहिए और साथ में आप इसको शेडी एरिया में रखें ताकि इसका डोरमेंसी का पीरियड ओवर हो जाने के बाद आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसमें न्यू ग्रोथ तभी दिखाई देती है। और ये है अल्टरनेंथ्रा और ये भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, और ये भी अभी सुप्त अवस्था में है और जैसे ही ये ग्रो करने का टाइम आएगा आप इसकी अच्छे से कटिंग लगा सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अभी प्रूनिंग करते हैं तो ग्रोथ भी नहीं दिखाई देगी और प्लांट के मरने का चांस भी होगा। सो और पान का प्लांट है, पान के प्लांट में भी ग्रोथ बंद हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी कटिंग भी मैंने कर दी थी और इस जाकर कोई भी इसमें ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। आप इसकी अगर कटिंग करते हैं तो प्लांट मरने के चांस ज़्यादा हैं और इसको भी आप अभी नहीं, फरवरी मार्च में आप इसको कटिंग कर से ग्रो कर सकते हैं। टेफिन बेकिया प्लांट है, उसमें भी आपको हल्की फुल्की ग्रोथ दिखाई देगी, न्यू पत्ते आप देख रहे हैं इस टाइप से आते रहेंगे लेकिन आप कटिंग से ग्रो करना चाहें तो इसमें कोई सूट्स नहीं आएंगे और आपकी कटिंग भी बेकार हो जाएगी। सो अभी फरवरी के बाद आप इसकी भी कटिंग को लगा सकते हैं और इसका भी अभी डोरमेंसी का टाइम स्टार्ट हो चुका है। और बेला प्लांट भी आप देख सकते हैं, बेला में भी आप अभी कटिंग इसकी ना ग्रो करें क्योंकि कोई भी फ्लावरिंग इसमें अभी नहीं देता है और ग्रोथ भी इसके पत्ते पीले होने लगते हैं, पीले होकर अगर ये झड़ जाते हैं तो न्यू पत्ते फरवरी मार्च में आने लगते हैं और फिर इसमें ग्रोथ भी अच्छी दिखाई देती है और फ्लावरिंग भी इसकी स्टार्ट हो जाती है और तभी आप इसको भी ग्रो करें और नर्सरी से लाना चाहें तभी आप ला कर इसको रिपोर्ट भी करें। और अभी अगर कोई भी प्लांट की आप रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट के मरने के चांस होते हैं और आप इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल से ना करें। और ये है देशी सदाबहार और इसमें आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, अभी तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि इतना टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा इसके भी पत्ते पीले होकर झड़ने लगेंगे और तब आप इसकी कटिंग और इसको सीड से भी नहीं ग्रो किया जा सकता। और जैसे ही मार्च आएगा वैसे ही इसमें अपने आप जर्मिनेशन चालू हो जाता है, जहाँ भी सीड इसके गिरे होंगे न्यू प्लांट आ जाएगा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होने लगती है। बस आप इसमें हल्की फुल्की पानी का ध्यान रखें और इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है ताकि ये ओस और पाले से बचा रहे।
और इसको भी हल्की फुल्की शेड में आप रखें तो प्लांट आपका बचा रहेगा, नहीं तो इसमें सीड्स जर्मिनेशन होता है और साथ में न्यू प्लांट भी जर्मिनेट हो जाता है। आलमंडा की भी कटिंग आप ना ग्रो करें, कटिंग आप देख सकते हैं जैसे कि न्यू कटिंग अगर आप लगाते हैं तो पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं और स्टेम्स भी काली हो जाती है, और आप इसकी कटिंग को अभी से ग्रो ना करें। और जो प्लांट आपका जैसा बना है वैसा ही बना रहने दें, और इसमें फ्लावरिंग अभी नहीं होगी, फरवरी मार्च के बाद इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी देखने को मिलती है और तभी आप इसको भी कटिंग से ग्रो करें। और गुड़हल हाइब्रिड गुड़हल है तो उसमें फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन गुड़हल में अभी थोड़े दिन के लिए फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। गमले में प्लांट है तो बहुत ही कम हो जाती है, अगर ज़मीन में लगा है तो फ्लावर देता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आप ये दे सकते हैं। और ये है अपराजिता का प्लांट, इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई है क्योंकि इसमें सीड्स बनने लगे हैं और सीड्स तो ये परमानेंट बनाता है, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग इस समय कम हो गई है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा खाद पानी देने की आप सोचते हैं तो पत्ते पीले होकर झड़ने लगेंगे और प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। आप इसको जैसे कि तैसे बना रहने दें और फिर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और प्लांट आपका अगर सेव रखना है तो आप इसमें कुछ भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह ना दें। आई होप आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी कुछ प्लांट के बारे में दी है, किसको आप ग्रो करें और किसको आप अभी से इसकी कटिंग ना लगाएं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वामा ब्लूमिंग गार्डन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।